Hey guys, how are you all? Welcome back to another vlog. एक और नया दिन, एक और नई जर्नी. और फिलहाल है हम अपने शहर में नहीं, as you know, देहरादून आए हुए थे. तो फाइनली फ्रेंड गुजुबा ने विजिट करने के बाद हम नाइट पर जा रहे हैं, as you know, अभी जा रहे हैं मसूर एक्सप्लोर करने के लिए. as you know, रेनी सीजन चल रहा है, बारिश अभी रुकी हुई है, तो मसूरी करने जा रहे हैं हम एक्सप्लोर. देखते हैं कैसा, मतलब वहाँ का एम्बियंस हो रखा है, एनवायरनमेंट वगैरह. तो बिना किसी देरी के मसूरी चलते हैं और एंजॉय करते हैं. उससे पहले डीजल लेना है, और डीजल से पहले इंटरव्यू करा दे कौन कौन जा रहा है आज अपने. 5 लोग जा रहे हैं मसूरी रात में, वो भी कौन कौन, हैदर भाई और अपने और अक्षय भाई. आप सबका साथ, आप सबका विकास. बिना कोल्ड ड्रिंक के चढ़ गए भाई अर्षद भाई आज. बिना कोल्ड ड्रिंक कहाँ लेके चल रहे हो अब? माल रोड लेके जाएंगे, उसके बाद वहाँ ऊपर रोड पर चलेंगे. मैं ज्यादा मजे ले रहे हो आजकल लोग. और आलम भाई कहाँ गए? लो भाई आलम भाई स्नैक्स लेने उतरे थे, बस ले लिए भाई स्नैक्स. क्या लोग, मैं तो लेके आया था. ले लो भाई चल रहे हैं. तो भाई आलम भाई स्नैक्स के लिए रुके थे, तो स्नैक्स लेते और आगे चलते हैं. और आगे जाने पड़े नहीं. टाइम फॉर रिफ्यूलिंग, और अपनी गाड़ी में डीजल आया है 50 लीटर्स. पहली बार इस ट्रिप पे आया, ये सेकंड रिफ्यूलिंग थी दिल्ली के बाद हमारी. कितनी चली वही मीटर पे दिखा देंगे. और तकरीबन यहाँ पे 90 रुपीज़ का, और लीटर में 50, और अमाउंट की बात करें तो आया है 4539 रुपीज़ का. तो एक बार किलोमीटर्स चेक कर दें कितनी चली हमारी गाड़ी. सो फ्रेंड्स, अपनी गाड़ी चली है 531 किलोमीटर फुल टैंक में, जहाँ हमें 4200 लिया था. उसके बाद अभी पेट्रोल आया है तकरीबन 4500 रुपये का. तो एक बार ट्रिप भी जो है जीरो कर देते हैं. चलो भाई आगे की जर्नी कंटिन्यू कर. तो फ्रेंड फाइनली पहाड़ शुरू हो गए हैं, और रास्ता एकदम खाली. और आगे देखो बस, जो ये लाइट जल रही है ना, बेसिकली घर है, वही मेन मसूरी. तो वही आगे चलते हैं. मौसम बढ़िया हो रखा है, बस एसी वगैरह सब ऑफ कर रखा है हम लोगों ने. मौसम को एंजॉय कर रहे हैं सच में यार, बड़ा मस्त लग रहा है. क्यूरियोसिटी हो रही है ऊपर पहुंचने की, आई मीन मसूरी. मसूरी कुछ और मत समझना बात. चलो भाई चलते हैं और फटाफट से आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं मसूरी एक बार फिर से. फाइनली पहुंच गए मसूरी, और एज यू नो जैसे माल रोड था बंद, तो हमने पार्क करी है यहाँ पे गाड़ी, लॉक भी कर दी. और भाई यहाँ पर पार्किंग बड़ी महंगी है, बस पार्किंग 200 रुपये है 10:30 बजे तक के लिए. और अभी टाइम हो रहा है 8:12, और भाई लोग आगे जा रहे हैं. और फटाफट से ना एक बार लाइब्रेरी चौक चलते हैं. और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना 18 डिग्री हो रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, आई डोंट नो भाई. ऊपर से अपन ने रेनकोट भी पहना हुआ है कि बारिश हो तो उसके लिए. तो भाई फटाफट से लाइब्रेरी चौक पहुँचते हैं और वहाँ से ना आपको व्यूज दिखाते हैं बस. सो फ्रेंड फाइनली वी आर एट द लाइब्रेरी चौक, और ये है लाइब्रेरी चौक. ये रास्ते नीचे की तरफ जो जा रहे हैं वहाँ से हम आए थे,
हाँ फिर हम उधर गए आगे जो कैमडी फॉल के लिए जाते हैं, वहाँ एक मतलब 500 मीटर्स की दूरी पर हमने कार पार्क करी और वो जो रास्ता देख रहे हो वहाँ बंद है, मतलब वॉकिंग स्टार्ट है, मतलब कार अलाउड नहीं है, वो है बेसिकली माल रोड। और भाई यहाँ से ना आपको व्यू दिखाते हैं बस देहरादून सिटी का, बस ये देखो बस नाइट व्यू क्या लग रहा है बस। और टाइम और अभी टेम्परेचर है 18 का, और अब जो लाइटें देख रहे हो ना ये घरों की में लाइटें जल रही हैं, बस ये सिटी है पूरी, अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा तो। ये फाइनली पहुँच गए हम मसूरी, कैसा लग रहा है भाई? थोड़ी लग रहा है सर, ठंडी लग रही है, लग रही है, बोलूंगा नहीं ठंड लग रही है, बताएंगे नहीं हम। भाई फाइनली आ ही गए हैं, कितने टाइम बाद आ रहे हैं अपन लोग? एक महीने बाद। वाह भाई वाह। और हर्षित पाजी अरे अब आ तो गए, लेके कहाँ जा रहे हो अब? मुझे बताए थे पहले, अडल्ट वाली बातें कर रहे हैं। ये सुन डरेगा नहीं, एडिट में नहीं पाएगा ये तो बात। क्यों डरना चाहिए भाई? बिल्कुल डर ले, वो सिर्फ तुम्हें देख सकते हो फिर। चलो भैया माल रोड चल रहे हैं, माल रोड एक्सप्लोर करते हैं बस। ठंडी इतनी लग नहीं थी वैसे, है ना, फील हो रही है अक्टूबर में। अभी हमें फॉग वॉग नहीं मिला क्योंकि आज बारिश नहीं हुई थी यहाँ पर, बाकी भाई कुछ भी हो सकता है भाई, मौसम अगर चेंज हो तो बारिश भी हो जाएगी। फॉग नहीं मिला, रोड खाली था क्योंकि आज वीकेंड नहीं है, वीकडेज है इस वजह से। तो भाई अपना मॉल रोड चलते हैं, मॉल रोड एक्सप्लोर करते हैं। एंड फ्रेंड्स ये है लाइवी चौक और ये है लाइवी चौक की मार्केट। और भाई आज पता नहीं लाइट क्यों नहीं जल रही है, इधर भी जल रही थी लेकिन सिर्फ उधर ही जल रही है अभी, जो कलर चेंज होता रहता है बहुत यहाँ का। फ्रेंड्स यहाँ से शुरू होता है मॉल रोड और ये है मॉल रोड की एंट्रेंस। ऐसे नो गेट बंद है, गाड़ी अलाउड नहीं है, 5 से 10 बजे तक अलाउड नहीं होती कोई भी गाड़ियाँ। एग्जिट भले ही हो सकती हैं जो चेकआउट कर रहे हैं लोग, अदरवाइज यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं होती है। और यहाँ एज और यहाँ से मॉल रोड शुरू हो जाता है, ये है मॉल रोड की मार्केट जहाँ रेस्टोरेंट्स और कपड़े वगैरह मिल जाते हैं आपको और होटल्स वगैरह भी। और भाई अब ठंड का एहसास हो रहा है क्योंकि अब जैकेट जो है ना, रेनकोट कह लो आप, वो उतार दिया क्योंकि भाई ठंड का फील लेना है बहुत ठंड का। दिल्ली में तो वैसे ही थोड़ी गर्मी पड़ रही है तो इसलिए अब 18 डिग्री टेम्परेचर हो गया, वाह ठंड लगी, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड फ्रेंड्स ये है कार्निवल सिनेमा जो है मॉल रोड पर, और कई मूवीज भी लगी हुई है यहाँ पर। और हम और आगे जा रहे हैं जहाँ पे लिखा है स्पोर्ट, मतलब सेल्फी स्पोर्ट, जहाँ लिखा है आई लव मसूरी, तो वहीं चलते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 8:37 और देख लो मॉल रोड पूरा खाली पड़ा है, बस बिल्कुल ही खाली पड़ा है। ये कुछ अच्छा लग रहा है, कैफे द टी टोटलर, एक बार चलेंगे इसमें हैज भाई, इधर चलेंगे कि इस बार कैफे में। और पता है अभी 8:30 बज रहे हैं और खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है मॉल रोड भाई, ये देख लो। और ऐसा लग रहा है ना रात के बज रहे हैं 12:01, ऐसा तो भाई 12:01 बजे होता था, 1 बजे वो भी 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद होता था ऐसा। और फाइनली हम स्पोर्ट पर आ गए हैं जहाँ पे लिखा है आई लव मसूरी। आपने मेरी इंस्टा पे पोस्ट भी देखी होगी यहाँ की, जहाँ हमने कार भी पार्क कर रखी थी यहाँ पे अपनी इको स्पोर्ट। और इस बार तो मैं आपको बता नहीं भूल गया, इस बार हम लेकर आए हैं टाटा हेक्सा, हेक्सा फर्स्ट टाइम आ रही है मसूरी। देहरादून कई बार आई लेकिन मसूरी नहीं आई थी, तो इस बार हम मसूरी लेकर आए अपने टाटा हेक्सा। और ये है फोटो सेल्फी स्पोर्ट जहाँ लिखा है मसूरी, क्वीन ऑफ हिल्स लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स यहाँ से ना कुछ इस तरह का व्यू है, बस बहुत बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है। और ये रास्ता देख रहे हो आप जहाँ पे अभी गाड़ी जाते हुए दिखी थी आपको, ये वाला रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ से जो व्यू लग रहा है ना भाई, ये व्यू है बस, व्यू के पैसे हैं बस, और बहुत ज़्यादा शांति। फ्रेंड्स ये है टी टोलर कैफे, काफ़ी अच्छा है भाई, ओपन फिटिंग है यहाँ पे और एम्बियंट काफ़ी अच्छा है बस। ये है मॉल रोड में, मतलब कि चाय लवर के लिए भाई हेवन है बस हेवन। और व्यूज की तो बात ही क्या की जाए, देख लो बस। और यहाँ से मतलब बेसिकली वहाँ से एंट्रेंस है, एक बार बाहर से भी दिखा देते हैं आपको। और ये अपना एज यू नो सेल्फी स्पॉट, फ्रेंड ये है मॉल रोड और ये है कैफे टी टोटल, पास से कुछ इस तरह का और अंदर से तो आपको मैंने दिखाई दिया था। तो भाई बेस्ट प्लेस है अगर आप चाय के शौकीन हो तो बस। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए वापस हर्षित भाई के घर, पता नहीं क्यों इस बार मुझे मजा नहीं आया क्योंकि क्राउड नहीं था लेकिन मौसम बहुत मस्त हो रखा था। वैसे तो हमारा प्लान था स्टे करने का लेकिन मन नहीं करा स्टे करने का, तो इसलिए हम वापसी आ गए देहरादून। तो तकरीबन यहाँ से जो डिस्टेंस थी तकरीबन 39 किलोमीटर थी, मतलब ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर
40 किलोमीटर जाना 40 किलोमीटर आना। और रास्ते में हमने कुछ खाया भी अभी नहीं क्योंकि हम पहले खाकर गए थे, प्लान तो यही था स्टे वगैरह करने का, तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए वापसी आ गए अपने भैया शिव भाई के घर। और अब वापस आ गए घर पे, डिनर करने वाले हैं। तो आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, तो आपसे मिलते हैं किसी अब अनदर व्लॉग में। अब देखते हैं क्या एक्टिविटी करने वाले, कहाँ जाने वाले हैं। आई थिंक कि हम गेस करना जाने वाले हैं कल, मतलब आने वाले व्लॉग में, आई मीन नेक्स्ट व्लॉग में। फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं इसी वाली रोड ट्रिप के अनदर व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। It's the sound of soul in me.